नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास इलेवेंथ आर ओ से आज हमारा दूसरा चैप्टर है जो लिखा है कृष्णा सोबती ने और चैप्टर का नाम है मियाँ नसरुद्दीन। कृष्णा सोबती, इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, दार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी। हम हसमत शब्दों के आलोक में ये इनके संस्मरण हैं। इनको प्रमुख सम्मान मिला हुआ है, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान और साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिले हैं। कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है हिंदी कथा साहित्य में। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। बच्चों, भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम भी आता है, बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मसूम रज्जा के आधा गांव और भीष्म सानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनके संस्मरण हम हसमत से लिया गया है और पाठ का नाम है मियाँ नसरुद्दीन। तो मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। वो मियाँ नसरुद्दीन जो होते हैं ना, वो 56 प्रकार की चपाती बनाते हैं और अपनी खानदानी महारत को इस पाठ के माध्यम से बताएंगे। और वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं मियाँ नसरुद्दीन जी को और इनके बारे में, इनका व्यक्तित्व हम जानेंगे, साथ ही इनकी पहचान किस तरह से बनी वो इस पाठ के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। तो यहाँ पर जो घूम रहे हैं वो बताते हैं कि अगर हम वहाँ से नहीं गुजरते तो मियाँ नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और उनके मसीही अंदाज को हम कैसे उनके मसीही अंदाज का आनंद उठाते। हुआ ये कि हम एक दोपहर जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके, सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो मियाँ नसरुद्दीन किस लिए फेमस है? 56 किस्म की, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। तो जब यहाँ से गुजर रहे थे तो आटा गूंथने की, पटक पटक कर आटा जो गूंथते हैं ना बड़े होटल वाले, ऐसी आवाज़ आई तो सोचा सेवैयाँ बन रही होंगी, लेकिन पूछने पर पता चला कि यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है और ये खानदानी मतलब रोटियाँ बनाने के मामले में एडवांस है, प्रसिद्ध है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन, पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, मतलब जो मियाँ नसरुद्दीन का व्यक्तित्व इस प्रकार का दिख रहा था कि उनके चेहरे पर उनका पेशा झलक रहा था, उनका जो बिजनेस था वो उनके चेहरे पर दिख रहा था और उसका तेवर भी नज़र आ रहा था, जबकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। गाहक मतलब जो लोग खरीदार होते हैं उनको गाहक बोला जाता है, कि
ये आए हैं तो मियाँ नसीरुद्दीन बोले, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हंजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, ये तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो जो दो जन गए थे मियाँ नसीरुद्दीन से बातचीत करते करते और बोले कि अगर मियाँ जी आपको वक्त हो तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो मियाँ जी बोले कि आप तो अखबार वाले लगते हो और अखबार वालों को मैं निठल्ला समझता हूँ, लेकिन मुझे इससे क्या, चलिए आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हो। तो पूछते हैं, पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म मतलब शिक्षा। तो अलग अलग प्रकार की आप रोटियाँ बनाते हो, ये शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की। मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरह के बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या? फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पैसा ठहरा। तो अपनी आंखें तरेर कर मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि ये भी कोई पूछने वाली बात है कि मैंने इतनी किस्म की रोटी बनानी कहाँ से सीखी, ये तो हमारा खानदानी पैसा है, और खानदानी पैसा है तो उसको कहीं और शिक्षा लेने की ज़रूरत क्या है। हाँ, इल्म की बात पूछे तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब ये कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे, तो हम कोई पैसा सीखने के लिए बाहर नहीं गए, अपने वालिद मतलब अपने पिताजी से ही ये सब सीखा। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उड़ जाने पर आ बैठे उन्हीं की ठीए पर। तो जब मतलब उनके पिताजी चले गए तो उनकी जगह वो ये सब काम करने लग गए। तो जो भी हुनर पाया वो अपने बाप दादाओं से पाया। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्मा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी खोज में, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे अंधेरा, आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत साई नानबाई गडैया के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो इनके आगे मतलब नानबाई जो है ना, इनका खानदानी क्या बोलते सरनेम था जो नानबाई लगाते थे ये, ठीक है। तो मियाँ बरकत इनके पिताजी थे और दादा थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो इस तरह से बोले कि हमारे जो वालिद थे, हमारे पिताजी थे, वो मियाँ बरकत साही नानबाई गडैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बज्जा फरमाया, ये तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। तो पूछते हैं कि आपको मतलब आपके दादा और आपके पिताजी से कोई नसीहत तो मिली होगी। तो ये मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं कि नसीहत से कुछ नहीं सीखा जाता, काम करने से सब सीखने को मिलता है। तो बोले कि आपको कुछ तो मतलब ये भट्टी पर जो आप रोटी पका रहे हो इसके बारे में कुछ तो नसीहत दी होगी आपको। तो नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे, फिर गला साफ किया, बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ, कह बे तो बच्चा कहता है बे, और कह जीम तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप प्रवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़। सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों। तो बताते हैं कि जब कोई किसी से सीखता है, कोई सीखने जाता है किसी के पास, तो जैसा वो सिखाता है वैसा ही वह सीख जाता है। मतलब बच्चे को कहोगे आलिफ
तो बच्चा भी यही कहेगा आलिफ, और बच्चे को कहोगे बे तो बच्चा भी यही कहेगा बे। तो इसी बीच में बात को काटते हुए किसी को आवाज़ मियाँ नसरुद्दीन देते हैं। किसको देते हैं? मीर साहिब को। तो मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन तीन क्लासों का? अपना ख्याल था मियाँ नसरुद्दीन, नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर हम ही पर दागते रहे। आप भी बताइए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ। तो मियाँ नसरुद्दीन ऐसे कि बात को गोल गोल कर रहे थे, लेकिन कोई भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बोले कि मतलब नसीहत दो तरीके से है, शिक्षा इल्म दो तरीके से है। एक तो यह है कि बच्चे को जैसा बोलेंगे वैसा बच्चा सीख जाता है, और दूसरा ये है कि आप अगर बच्चे को मदरसे में भेजते हो तो न तो वह कच्ची में बैठता है, न पक्की में बैठा है, और न पहली में न दूसरी में, डायरेक्ट वह जाकर बैठ जाता तीसरी में। तो ये सोच रहे थे कि हम मियाँ नसरुद्दीन से ये पूछें कि आखिर दो क्लास का क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मियाँ नसरुद्दीन ने ही हमसे पूछ लिया कि अब आप बताओ कि उन दो जमातों का क्या हुआ। तो इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन बात को घुमा रहे थे। फिर ये बात मेरी समझ के तो बाहर है, इस बार शाही नानबाई मियाँ कलन के पोते अपने बच्चे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। तो मियाँ कलन के पोते कौन हुए? मियाँ नसरुद्दीन। तो अब हंस दिए वो, मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर तो मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम बट्टी बनाना न सीखते, बट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब माना? तो बोले कि जो भी हमने सीखा है वो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सीख गए, उसके लिए हमने बर्तन धोना भी सीखा है, उसके लिए हमें भट्टी बनाना भी सीखा है, भट्टी को आँच देना भी सीखा है। तो ये सब तालीम की भी तालीम है, तालीम सीखने के लिए भी तालीम होनी चाहिए। तो मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रूह मोड़ा और अपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नान भाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पना, बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी? तो यहाँ मियाँ नसरुद्दीन अपने ख़ानदानी पेशे की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि देखो, हमारे बराबर यहाँ पर कोई नहीं है, हमारे बराबर कोई ख़ानदानी यहाँ पर नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब बादशाह आए और उन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो कि न तो आग से पकती है और न ही पानी से बनती है, लेकिन फिर भी हमने बना के दी, उन्होंने खाई भी और खूब जमकर तारीफ भी की। तो मतलब इन लोगों को लगा कि ऐसा कौन सा पकवान हो सकता है, तो बेसब्री से पूछा, ये वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये एक कहावत है कि न कि खानदानी नान भाई कुएँ में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो बोले कि ये मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा पकवान था जो आग में भी नहीं पका और पानी से भी नहीं बना, लेकिन वो बना ज़रूर, लेकिन हमारे खानदानी लोगों के ऊपर ये बात ज़रूर कही जाती है, ये कहावत है कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है।
मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि मतलब इनको एकदम से मजाक सूझी कि मियाँ नसरुद्दीन ऐसे ही मजाक कर रहे हैं कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि सही में ये कहावत इनके ऊपर लागू होती है। मियाँ ने तरेरा, मियाँ को थोड़ा सा गुस्सा आया, और क्या झूठी है आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है कभी, रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, अभी इनको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। तो इस तरह से मियाँ ने रास्ते जाते हुए रहमत को बुलाया कि लौंडिया जो है रुमाली रोटी लेने अभी तक नहीं आई। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गई थी। पूछिए, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो नहीं लेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने ही कहते हूँ, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। तो बोले कि आपको जितना पूछना पूछिए, 70 के हो चुके, हमारे वालिद तो 80 तक उम्र पा गए थे, हमें पता नहीं मोहलत मिलेगी कि नहीं, चलिए आपको जो भी पूछना है पूछिए। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाए और कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्चे खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, ये बात तो पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किसी बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो मतलब इन लोगों ने और मियाँ नसरुद्दीन की प्रशंसा करते हुए उनके खानदान की और उनके खाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ज़रूर किसी बादशाह के यहाँ काम किया होगा। तो ये बताते हैं कि अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं। हम खिसियानी हंसी हंसे, हैं तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त में मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हूँ। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ अपना बादशाह सलामत ही ना, कौन से बहादुर शाह जफर की। तो इस तरह से मतलब वो किसी बादशाह का नाम नहीं बता रहे थे, जबकि बोल रहे थे कि हाँ वो बादशाह ना जापना ना, लेकिन मतलब ये पूछना चाहते थे ये लोग कि कौन सा बादशाह बहादुर शाह। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खानों वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मतलब नाम नहीं बताना चाहते थे कि हमने किसी बादशाह के यहाँ काम किया, पर ये ज़रूर बताना चाहते थे कि हम शाही खानदानी हैं और हमने बादशाह के इधर भी काम किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बबन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बबन मियाँ कौन है साहिब, मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे, मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियाँ हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देख ये मजबून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, खाली शागिर्दी नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, हाँ ज़्यादातर भट्टी पर कौन कौन सी रोटियाँ पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, सिरमाल, ताप्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबानी, तुनकी, फिर तेवर चढ़ा हमें गुर्गर का, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कोंद गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन ने मतलब अपने ख़ानदान की तारीफ करते हुए ये सब बातें जो आए थे पूछने के लिए अखबार वाले या न्यूज़ रिपोर्टर संवाददाता जो भी हों उनको अपनी सारी बातें बताई और अपने तारीफ का किस्सा सुनाया, लेकिन बोले कि वो बात अब नहीं है जो पहले थी। बहुत सारी प्रकार की अलग अलग किस्म की हम रोटियां बनाते हैं, लेकिन अब वो ज़माना गया
और वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। और अब क्या रखा है, अब तो यह है कि तंदूर से निकाली और निगली और हजम, यही सब रह गया है। तो मतलब मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा जाता था। थैंक यू स्टूडेंट्स।